इस न्यूज के प्रायोजक है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में हजरत दीवान शाह के ओर्स के दौरान विज्ञापन में हजरत दीवान शाह को मेवाड़ का शहंशाह बताए जाने पर विरोध जताते हुए गोरक्षा हिंदू दल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि मेवाड़ के शासक तो भगवान श्री एकलिंगनाथ है, जिस पर संप्रदाय विशेष के युवकों ने कस्बे के एक युवक के साथ मारपीट कर दी, जिसमें मुकदमा कपासन थाने में दर्ज हुआ है। इसी दौरान कोटा शहर निवासी एक मुस्लिम युवक ने गौरक्षा दल के नगर अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। इस पर 12 सितंबर को लक्ष्मण सिंह ने एसपी से मिलकर जल्द कार्रवाई की मांग की, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित राजपूत समाज ने जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल को ज्ञापन सौंपकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पोसवाल से हैं सक्तावत, महामंत्री जौहर समृद्धि संस्थान। कपासन के अंदर विगत दिनों एक अखबारों में और कई समाचार पत्रों में ये आया था कि शहंशाहे मेवाड़ जो दीवान शरीफ है कपासन की दरगाह का, उसके जो कमेटी के लोगों ने इस प्रकार का एक बयान जारी किया था और अखबारों में भी एक न्यूज वगैरह आई थी। इसको लेकर के स्थानीय कपासन के एक लक्ष्मण सिंह हैं जो गोरक्षा समिति के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के आपत्ति जताई कि जो ये शहंशाहे मेवाड़ जो शब्द का प्रयोग किया, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। मेवाड़ ने कभी भी मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ हमेशा स्वतंत्र रहा है और मेवाड़ के अधिपति तो हमारे मेधपाट एकलिंगनाथ है और उनके दीवान जो है महाराणा मेवाड़ है। और इस प्रकार का जो ये बयान दिया उसको लेकर उपखंड अधिकारी महोदय को वहां पर ज्ञापन दिया गया था। इस ज्ञापन के पश्चात वहां के स्थानीय लोगों ने जो ज्ञापन में साथ थे, एक नरेश नाई करके जो व्यक्ति था, जो दरगाह के सामने ही चाय की थड़ी लगाता है, उसके साथ मारपीट हुई एवं फिर उसके बाद लगातार लक्ष्मण सिंह के मोबाइल नंबर पर एक मोबाइल नंबर था, अज्ञात मोबाइल नंबर, उससे उसका सर कलम करने की धमकी मिल रही है। उसने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी लिखित में दिया, परंतु न तो कोई आज दिन तक प्रशासन और पुलिस ने उसको सुरक्षा प्रदान की और न ही ऐसी धमकियां देने वालों के साथ कोई कड़ी कार्रवाई की गई। इसके लिए संपूर्ण राजपूत समाज में आक्रोश है और उस आक्रोश को लेकर आज केवल चेतावनी के रूप में हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देना है। अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लक्ष्मण सिंह के साथ अगर कोई वारदात होती है या उनके साथियों के साथ कोई वारदात होती है, तो हम आज चेतावनी दे रहे हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि कपासन के अंदर ही नहीं, संपूर्ण मेवाड़ के अंदर हिंदू समाज आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। भारत माता की, भारत माता की, इतिहास के साथ, इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं होगी। लक्ष्मण सिंह को इतिहास के साथ मेवाड़ अधिपति एकलिंगनाथ की, मेवाड़ अधिपति एकलिंगनाथ की।